यहाँ पर धीरे धीरे से बुझने ही वाली थी, उतने में यहाँ पे एक और धमाका हुआ है। गाइस, मेरा नाम है रयान। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि सस्ते दाम में आने वाला फायर रेस्क्यू ट्रक खरीदने के लिए। देखो, मैंने खरीद लिया है ये वाला फायर रेस्क्यू ट्रक। ये मेरे पास पहले से ही था, ये कुछ ज्यादा ही महंगा यार। तो इसके साथ फाइट कराने के लिए मैंने ये वाला फायर रेस्क्यू ट्रक खरीदा है। ये दिखने में थोड़ा बहुत फायर रेस्क्यू ट्रक जैसा दिखाई देता है, पर एक्चुअली में ये रोवर मशीन है। और इन दोनों के साथ मैं फाइट कराऊंगा एक बहुत ही कमाल की ट्रांसपोर्टर ट्रक के साथ। ये ट्रांसपोर्टर ट्रक को मैंने रिसेंटली अपग्रेड करके इसके सारे के सारे हार्डवेयर चेंज कर दिए। चलो गाइस, फटाफट से करते हैं तीनों की अनबॉक्सिंग, फिर कराएंगे इन तीनों के बीच में फाइट, देखते हैं आज कौन जीतता है। लेट्स स्टार्ट। अगर आप भी इसको खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर आपको व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, उसके बाद आपको ब्राउज प्रोडक्ट में जाना है, वहां पर इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चाहे तो इसे खरीद सकते हो। चलो गाइस, फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो और फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। तो भी निकालते हैं हमारी फायर रेस्क्यू ट्रक को इसके अंदर से बाहर। बहुत ही डिफरेंट लग रही है यार, बहुत ही भारी भरकम है। इसको रखते हैं साइड में। इसके साथ क्या क्या चीजें मिली है पहले ये दिखा देता हूँ। इसके साथ ये है इसका रिमोट, वाटर को स्प्रे करने के लिए यहाँ पर एक सिंगल बटन दिया गया है। ये रही इसकी बैटरी, बैटरी बहुत छोटी दी गई है, 500 mAh 3.7 वोल्ट की बैटरी मिलती है। सबसे पहले इसके क्या क्या मेन फीचर्स है ये मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर की तरफ एक लैडर है और ये मूवेबल है। यहाँ पर इसका नोजल है, इसके अंदर से वाटर वगैरह स्प्रे कर सकता है, कहीं आग भी लग जाएगी तो ये बुझा सकता है। यहाँ पर इसका टैंक है, इसके अंदर हम लोगों को वाटर डालना पड़ता है, बहुत सारा पानी आ जाएगा। व्हील्स बहुत ही डिफरेंट क्वालिटी है, बहुत ही अलग नजर आ रहे हैं। मैं पहली बार कोई कार के अंदर ट्रांसपेरेंट व्हील्स देख रहा हूँ। एक एक्स्ट्रा टैंक भी दिया गया है। पीछे की तरफ एंटी कोलिजन बम्पर है, नीचे की तरफ यहाँ पर बैटरी कंपार्टमेंट है, इसके अंदर हम लोग बड़ी वाली बैटरी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच दिया गया, सामने की तरफ भी एक एंटी कोलिजन बम्पर है और ये बम्पर बहुत ज्यादा सॉलिड है। तो ये है एक रियल फायर रेस्क्यू ट्रक। चलो फटाफट से इसको मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूं। यहां से मैं इसको निकाल लेता हूं गाइस। ये देखो, आ गया हमारा बहुत बड़े साइज का फायर रेस्क्यू ट्रक। यहां से फायर रेस्क्यू ट्रक को निकाल लेते हैं। इसका साइज सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, ऊपर की तरफ यहां पर इसके अंदर भी नोजल मिलता है, यहां पे बकेट दी गई है। इसकी ये लैडर को हम लोग यहां से एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी लैडर बहुत ज्यादा मजबूत भी दी गई है। इसका टैंक यहां पर है। इधर की कैबिन आप देख सकते हो, सीट्स वगैरह क्लियरली नजर आ रही है। यहां पर 6 व्हील्स देखने को मिलते हैं। यहां पर इसका हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये कंप्लीटली प्लास्टिक का बना हुआ है। नीचे की तरफ दिखा देता हूं, यहां पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट है। इसके अंदर हम लोग बड़ी बैटरी नहीं लगा सकते हैं गाइस। इसके अंदर इसके साथ जो बैटरी मिली है वही बैटरी हम लोग लगा सकते हैं। यहां पे ऑन ऑफ स्विच है, यहां पर एक स्पीकर भी दिया गया है। सामने से इसका लुक बहुत ज्यादा रियल फायर रेस्क्यू ट्रक जैसा ही बनाया गया है। चलो अभी इसका रिमोट दिखा देता हूं। इसके साथ बहुत ही डिफरेंट टाइप का रिमोट मिलता है। यहां पर दो जॉयस्टिक है, वाटर वगैरह स्प्रे करने के लिए बीच में एक बटन दिया गया है। ये भी रिमोट 27 मेगाहर्ट्ज पे ही चलता है। यहां पर है इसकी बैटरी, रेक्टेंगल टाइप में बैटरी दी गई है, 800 mAh 4.8 वोल्ट की बैटरी। अभी सबसे लास्ट एंड फाइनल ट्रांसफॉर्मर बिग साइज ट्रक को भी अनबॉक्स करके दिखा देता हूं। आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, दो फायर रेस्क्यू मशीन्स के साथ इसकी रेस हम लोग लगा के देखेंगे। ये बड़ा वाला ट्रक दोनों फायर रेस्क्यू मशीन्स को रेस में हरा पाता है या नहीं। बॉक्स के अंदर से मैंने इसको निकाल लिया है। इस ट्रक का कलर मेरे को बहुत ज्यादा डिफरेंट लगता है और इसका जो डिजाइन है ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मर से लिया गया है। सामने की फ्लेम जैसा डिजाइन है, पीछे की तरफ इतना बड़ा ट्रेलर इसके अंदर लगाया गया है। सामने दो व्हील्स है, सेंटर में चार व्हील्स है, पीछे की तरफ 6 व्हील्स दिए गए। कंटेनर हम लोग ओपन भी कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारा गुड्स वगैरह लोड करके ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। देखो इतना बड़ा कंपार्टमेंट इसके अंदर दिया गया है, मजा आ गया गाइस इसको देखकर। कंप्लीटली आप इसके इंजन के ऊपर देखोगे तो इस तरह की फ्लेम वाली डिजाइन दी गई है, साइलेंसर वगैरह है, यहाँ पर भी क्रोम की फिनिशिंग दी गई है। पहले ये ट्रक थोड़ा सा स्लो चला करता था, इसलिए मैंने इसको अपग्रेड करके कंप्लीटली इसका सारा हार्डवेयर चेंज कर दिया है। पहले मेरे को इस तरह का रिमोट मिला करता था, अब इसके अंदर मैं फ्लाईस्काई GS2 का रिमोट यूज करने वाला हूँ। ये रही इसकी बैटरी, इसके अंदर मैं भी 7.4 वोल्ट 360 mAh की बैटरी यूज करूंगा। ये है गाइस इसका रिमोट कंट्रोलर, फ्लाईस्काई GT2 रिमोट है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इस ट्रक को अलग अलग तरीके से चलाने के लिए, रेंज ज्यादा बढ़ाने के लिए। ऊपर की तरफ एक एक्स्ट्रा एंटीना दिया गया है। इन तीनों को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है। नो डाउट ट्रक इन दोनों से काफी ज्यादा बिग साइज का है। तो फटाफट से इन दोनों के बीच में मैं आपको कंपैरिजन करके बता देता हूं। इन दोनों में से भी ये फायर रेस्क्यू ट्रक रोवर मशीन से काफी ज्यादा बड़े साइज का दिया गया है। चलो दोस्तों, चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं इन तीनों के बीच में फाइट्स। गो एंड फाइट।
सबसे पहले फायर रेस्क्यू ट्रक को टच करते हैं। इसका स्प्रिंकलर पानी को 5 से 6 मीटर दूर तक स्प्रे कर सकता है और इसका स्प्रिंकलर बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। स्प्रिंकलर इस तरह से हम लोग 60 डिग्री टर्न भी करा सकते हैं। आरसी फायर रेस्क्यू ट्रक को यहाँ पे चला के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होता है, इसके अंदर इतना ज्यादा पानी भी डला हुआ है, इसको चलाने में बहुत ज्यादा मजा भी आता है। ओवर रेस्क्यू ट्रक को टच करते हैं। सबसे पहले इसका स्प्रिंकलर टच करेंगे। इसका भी स्प्रिंकलर 5 से 6 मीटर दूर तक पानी को स्प्रे कर रहा है। चलो फटाफट से इसको भी मैं यहाँ पे चला के भी दिखा देता हूँ। इसकी कंट्रोलिंग मेरे को फायर रेस्क्यू ट्रक से भी बहुत ज्यादा बेटर लग रही है क्योंकि छोटे से एरिया में भी बहुत इजीली टर्न हो जाता है। अभी टच करते हैं ट्रांसपोर्टर ट्रक को। जब से मैंने इसको अपग्रेड किया यार, ये तो एकदम चीता की तरह दौड़ने लगा है। कंट्रोलिंग भी इसकी बहुत ज्यादा बेटर हो चुकी है। अभी ब्रेक लगा के देखते हैं। ओहो गाइस देखो, जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया हमारा ट्रक पलट चुका है। अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि कहीं टैंक के अंदर बहुत ज्यादा आग लग चुकी है। रोवर मशीन यहाँ पे आ चुकी है आग को बुझाने के लिए और पानी यहाँ पर स्प्रिंकल करना चालू कर चुकी है आग के ऊपर, और आग यहाँ पर धीरे धीरे से बुझने ही वाली थी। उतने में यहाँ पे एक और धमाका हुआ है, आग और ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पे रोवर मशीन पूरी कोशिश कर रही है पानी इसके ऊपर डालकर आग को बुझाने के लिए, पर ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। उतने में रोवर मशीन को भी थोड़ी सी आग लग चुकी है और इसके अंदर पानी भी खलास हो चुका है। अभी यहाँ पे आग को बुझाने के लिए रियल फायर फाइटर ट्रक आ चुका है। देखते हैं ये भी आग को बुझा पाता ने, ये पानी फेंकना चालू कर चुका। उतने में यहाँ पे एक और धमाका हुआ गाइस, देखो आग और ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारा रियल फायर फाइटर ट्रक पूरी कोशिश कर रहा है आग को बुझाने के लिए। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ये पानी बहुत ज्यादा तेजी से फायर कर रहा है और यहाँ पे आग ऑलमोस्ट बुझने ही वाली है। देखो गाइस, यहाँ से इसके अंदर से गैस लीक हो रही थी, इस वजह से यहाँ पे बार बार धमाका हो रहा था। अब जाकर यहाँ पे आग पूरी तरीके से कंट्रोल में आ चुकी है और हमारा रियल फायर फाइटर ट्रक ने आग को बुझा दिया है और ये जीत चुका है यहाँ पर। अभी यहाँ पे रेस कराते हैं इन दोनों के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। रोवर फायर फाइटर ट्रक बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर ट्रक पूरी कोशिश कर रहा है इसको टेक ओवर करने के लिए और दोनों के अंदर मैंने अभी फुल स्पीड बढ़ा दिया। जैसे मैंने फुल स्पीड बढ़ाई है ट्रांसपोर्टर ट्रक गिरते गिरते रह गया क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्लियरली ट्रांसपोर्टर ट्रक जीत चुका है इस रेस को। इन दोनों के बीच में रेस लगाते हैं, देखते हैं ट्रांसपोर्टर ट्रक रियल फायर फाइटर ट्रक को भी हरा पाता है यानी रेस में। रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अचानक से जैसे ही मैंने टर्न किया है रियल ट्रांसपोर्टर ट्रक नीचे गिर चुका था। वापस से देखो मैंने इसको सीधा कर दिया है और इसने बहुत इजीली रियल फायर फाइटर ट्रक को हरा के रख दिया है रेस में। अभी ये दोनों फायर फाइटर ट्रक के बीच में कराते हैं पुशबैक, देखते हैं कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। टक्कर तो बहुत भयंकर हुई है दोनों के बीच में। यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना चालू कर दिया और दोनों के बीच में यहाँ पे वाटरप्रूफ टेस्ट भी हो रहा है। जिसके भी बैटरी कंपार्टमेंट में पानी जाएगा वो कंप्लीटली यहाँ पर रुक जाएगा। देखो दोनों ने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया एक दूसरे के ऊपर। उतने में ही हमारा रियल फायर फाइटर ट्रक रुक चुका है। मेरे को लग रहा है इसका बैटरी कंपार्टमेंट कंप्लीटली खराब हो चुका है और इसी बात का फायदा उठाकर रोवर फायर फाइटर ट्रक ने पीछे ढकल के रख दिया रियल फायर फाइटर ट्रक को और क्लियरली ये जीत चुका है पुशबैक में। अभी इन दोनों के बीच में पुश बैक कराते हैं, देखते हैं ट्रांसपोर्टर ट्रक जीतता है या फिर फायर रेस्क्यू ट्रक। दोनों के बीच में टक्कर बहुत जोरदार हुई है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर ट्रक पूरी कोशिश कर रहा है फायर रेस्क्यू ट्रक को पीछे ढकेलने के लिए। फायर रेस्क्यू ट्रक जब से इसको रोक के रखा हुआ था, पर ट्रांसपोर्टर ट्रक बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। जब से मैंने इसको अपग्रेड किया बहुत इजिली फायर रेस्क्यू ट्रक को हरा चुका है पुश बैक में। सभी ट्रक्स को लेकर मैं ऑफ रोड में आ चुका हूँ। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक सी टेरेन है, देखो पत्थर भी है मिट्टी भी है। यहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं कौन जीतता है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टर ट्रक को टेस्ट करके देखते हैं। इसको मैंने जस्ट थोड़ा सा ही चलाया था, मिट्टी में ये फंस चुकी है क्योंकि पावर सिर्फ इसके टू व्हील्स के अंदर ही है। इस वजह से ट्रक आगे मूव नहीं कर पा रहा, मिट्टी के अंदर फंस चुका है। सेम टेस्ट करते हैं रियल फायर फाइटर ट्रक के साथ, देखते हैं ये किस तरह से चल पाता है। इसके भी देखो सिर्फ पीछे के व्हील्स के अंदर ही पावर है, इस वजह से ये भी मिट्टी के अंदर बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। अभी यहाँ पे फाइनली हम लोग टेस्ट करने वाले हैं रोवर रेस्क्यू ट्रक को, देखते हैं ये किस तरह से चल पाता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था इसके व्हील्स बड़े हैं और व्हील्स कुछ अलग तरीके के इसके अंदर लगाए गए हैं, इस वजह से ये मिट्टी में और पत्थरों पे बहुत परफेक्ट तरीके से चल रहा है। क्लियरली ऑफ रोड में रोवर फायर रेस्क्यू ट्रक जीत चुका है। के पीछे मैंने एक ट्रॉली रख दिया, ट्रॉली के ऊपर देखो इतना बड़ा एक ट्रक भी रख दिया। फायर फाइटर ट्रक इतना ज्यादा पावरफुल है कि इतना ज्यादा वेट भी लेके जा सकता है। सेम टेस्ट रोवर फायर फाइटर ट्रक के ऊपर भी मैंने रख के देखा है, देखो ये भी इतना ज्यादा वेट लेके जा सकता है और हमारा ट्रांसपोर्टर ट्रक भी इतना ज्यादा वेट लेके जा सकता है। पे वेट उठाने के मामले में तीनों ही विनर है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन तीनों में से कौन सी चीज पसंद आई। चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम है समीर, इमरान, उमर, सोनू, रयान, अंतिक, रमन, दक्ष, फवद, अथर्व। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।